No. Be seated. Please be seated. Yes, linear equations in two variables we are going to continue with. Last exercise concept we were discussing, that how to detect a line which is parallel to x-axis and a line which is parallel to y-axis. And moreover, from this concept that line parallel to x-axis and line parallel to y-axis, we derived the equation of x-axis and y-axis. Hanji, last bench, stand up. What is the equation of x-axis? Equation of x-axis. Nobody is allowed to speak in between. What is equation of y-axis? बेटे आपको कुछ नहीं आता जाता और बातें आपके जो जहान की सॉरी करवा लो. कल करवा के गई हूं ना मैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस. आज नहीं आ रहा हमें, पेपर में कैसे याद रहेगा? जीरो, एक्स एक्सिस की इक्वेशन जीरो. क्या क्या वाई की? यस जसकरण, यू टेल इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस. आई एम आस्किंग इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस. ये नहीं कौन सी वाली, ये वाली मैं बताने के लिए नहीं यहाँ पे खड़ी, मैं कल बता चुकी हूँ. गलत, और भी ज्यादा गलत. रितिका, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इज इक्वल टू जीरो. ये नहीं हमें आ रहा और हम पेपर देने जा रहे हैं आफ्टर 10 डेज. एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स इज इक्वल टू जीरो. So yesterday we did up to this, and Dhare, you tell me equation of a line which is parallel to x-axis. Equation of a line which is parallel to x-axis. कल की थी हमने, आज नहीं आ रही हमें. बिना देखे, मैंने देख के बताने के लिए नहीं बोला. मैंने तो ट्रिक बताए हुए हैं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है दिमाग पे. Yes, Hriday. Parallel to x-axis. X-axis. आप बताओ तुषार, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. आप बताओ ईशान, प्लीज. ईशान, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ईशान, मैं तेरे से मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि तेरे को ये चीजें, छोटी छोटी चीजें ना आए. वाई? हाँ हाँ, डिस्टेंस अपनी तरफ से लो. मैंने सिर्फ ये पूछा इक्वेशन ऑफ लाइन. वाई? आपको हेल्प करने के लिए बोला किसी ने? इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एनी लाइन इक्वेशन, एनी लाइंस इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. हद होगी, मैं कहती हूँ कल करवा के गई हूँ. गुरशान, यू टेल, y is equal to any constant. ईशान, वेरी गुड. इतनी बात नहीं हमें आती. आफ्टर 10 डेज हमने ऐसे पेपर में बैठना है जहां पे MCQs कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं सारे. क्या कैसे पास होंगे? हमारा आधा नंबर तो आना नहीं है. This is the equation of line parallel to x-axis. बैठते जाओ साथ साथ, कोई फायदा नहीं है आप लोगों को कुछ स्ट्रिक्ट होने का या कुछ कहने का. आपको खुद में मन में है ही नहीं कि हमने पढ़ना है. सब पता चल गया, 1 मंथ पहले बता दिया, पेपर ऑफलाइन होने, फिर भी नहीं पढ़ रहे. कैसे पास होना है? एक मिनट. हाँ जी हर्षिता, स्टैंड अप. दिस लाइन y is equal to 2, it will be parallel to x-axis. Above it or below it? Why above? Because the constant is positive, so this line will be above x-axis. There is stand up. Let me know the equation of a line which is parallel to y-axis. Equation of a line parallel to y-axis.
y एक्सिस के पैरेलल। हद हो गई, अभी बताया x एक्सिस के पैरेलल कैसे लिखते हैं, तो y एक्सिस की उसको सोच के भी नहीं लिख सकते हम, इतने हम हमारा दिमाग वो हो गया खराब। आप बताओ ईशान, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, सपोज वी आर टेकिंग 3 एंड लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, इट कैन बी टू द राइट टू द y एक्सिस एंड टू द लेफ्ट टू द y एक्सिस। रितिका, x is equal to 3 which lie on which side of y axis? Right side of y axis because the constant is positive. अगर constant negative होता then it will be left side. आप लोगों को इतनी बात नहीं पता कि x axis के parallel line की equation कैसे लिखनी है और y axis के parallel. कल मैं करवा के गई हूँ, इसका मतलब कोई घर जाके कुछ बुक नहीं खोलनी, कुछ नहीं पढ़ना। अभी तो हम सिंपल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट एमसीक्यू बन के आने हैं, और पता नहीं किस एंगल से टीचर ने पूछ लेना है, और यही कॉन्सेप्ट सारे दर्शन रीजनिंग में आने। क्या करोगे पेपर में अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आते तो? वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन दो तरह से हो सकती है, या तो उसके राइट या लेफ्ट, राइट पे पॉजिटिव कॉन्स्टेंट वाली, लेफ्ट पे नेगेटिव कॉन्स्टेंट वाली। जो बैठ के बातें करते रहते हो एक दूसरे के, अपना अपना ग्रुप बना के दो दो जनों का पढ़ा करो, एक दूसरे से पूछा करो, कल जो मैम ने करवाया चला आप रिवाइज करिए बैठ के, ना एक सेकंड भी नहीं छोड़ते हो आप लोग बात करने से। इससे अच्छा यही है कि आप पढ़ो, आपको पता है पेपर आ रहे हैं और बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट पैटर्न है पेपर का, ठीक है? फिर आपकी मर्जी है, ऐसे तो नहीं टेंथ में कहो हो जाओगे, पढ़ के पास हो गए टेंथ में हो गए, नहीं तो रीअपेयर में बैठोगे फिर। एक्स का तो एक्स की बताया पैरेलल टू वाई एक्सिस, पूछना क्या चाहते हो आप? y के पैरेलल x वाली, x के पैरेलल y वाली, y is equal to 2 ही बताएं, कुछ भी बता सकते हैं, constant you can take any, if it is, अगर तो लिखा हुआ है line should be parallel to x axis at a distance of 5 unit, then the line का answer y is equal to 5 ही होगा, to the right side, and if it is mentioned that line should be parallel to x axis at a distance of 5 unit from the to the left side, then y equal to minus 5, if nothing is said, just said that the line parallel to x axis, you can take y is equal to any constant. ये एक बात हमारे दिमाग में धैर्य नहीं बैठ रही कि x axis के parallel lines y की शक्लों वाली होती है, y axis के parallel line x की शक्ल वाली होती है। कैसे फिर हम मतलब पेपर अटेम्प्ट करेंगे? मैं तो आगे अगला मतलब कॉन्सेप्ट बताने लगी थी, मैंने तो वैसे ही सोचा कि चलो पीछे से थोड़ा सा बता के फिर आगे चलते हैं, मैंने आपसे पूछा नहीं, शट योर माउथ। बहुत बुरा हाल है बेटे, आपको 1 आवर रोज जाके मैथ्स करना पड़ेगा, एनसीईआरटी की एक एक चीज ग्रैस्प करनी पड़ेगी, इफ यू वांट टू अटेम्प्ट पेपर, आई एम टेलिंग यू, अदरवाइज द थिंग्स विल बी वर्स्ट। ईशान आप भी नहीं पढ़ते, आपसे मुझे कभी कोई कंप्लेंट नहीं थी जब हम मैं आपको पढ़ाती होती थी, यू ऑलवेज डिड योर वर्क ऑन टाइम वेरी वेल विद प्रॉपर पैशन, और पता नहीं अब आप इन बाकियों की कंपनी में आप भी अपने आप को उसी तरह के बनाते जा रहे हो। सेम इज विद राघव, ही हैज आल्सो चेंज्ड, रहा ही नहीं है वो राघव जिसको वो सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब होता। बेटे ऐसे इक्वेशन हो आसमान से तो क्वेश्चन टपक नहीं जाने, ऐसे इक्वेशन आने, इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्या लिख के आओगे वहां पे जब कुछ आता ही नहीं है? तो स्टैंड अप, लास्ट बेंच, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, बाकी सारे बोर्ड की तरफ देखेंगे उसकी तरफ नहीं, इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हाँ जी आप क्या लिख लिख के बता रहे हो उसको, फिर कॉपी टर्न कर लो, पहले से लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस,
What is equation of x axis? What is equation of y? अभी करवाया अभी नहीं आता, देख लो अपना हाल, अभी बोर्ड पे लिखा समझाया कि कैसे याद रखते हैं, अभी नहीं आ रहा, क्या सोचा हुआ है? बिल्कुल दिमाग के दरवाजे बंद करके बैठते हो क्लास में कि कहीं कोई कॉन्सेप्ट अंदर घुस ना जाए? हर्षिता इज योर रियल ब्रदर, प्लीज टेल योर पेरेंट्स कि इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे, नहीं तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, आई एम टेलिंग यू। अभी का बताया हुआ इसे अभी नहीं आ रहा। रितिका बैठ जाओ दोनों, रितिका स्टैंड अप। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? जीरो का भी इक्वेशन होती है? जीरो को कौन इक्वेशन मानता है? इक्वेशन में तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों होती है। पैरेलल टू वाई एक्सिस की लाइन की इक्वेशन बताओ मुझे प्लीज। जीरो को इक्वेशन कहते हैं? इक्वेशन में तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों होते हैं, ये कल्ली जीरो इक्वेशन बना ली। हाँ, एक्स इज इक्वल टू जीरो। एंड व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन? देखो जो वाई एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन एक्स वाली होगी। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस? वाई इज इक्वल टू जीरो। ईशान बैठते जाओ साथ साथ, मेरा कोई मोटिव आपको क्लास में खड़े करके ह्यूमिलेट करना नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू रियलाइज दैट वेयर यू पीपल स्टैंड, जस्ट रियलाइज एनालाइज कि कहां पे आप खड़े हो, कितना एफर्ट और कितना हार्डवर्क चाहिए। टेल मी द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड बिलो इट। माइनस थ्री, कुछ भी ले सकते हैं। पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस है तो वाई वाली लाइन होगी, बिलो एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव साइन के साथ होगी, माइनस थ्री। हाँ जी धैर्य, स्टैंड अप। टेल मी इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड टू राइट साइड ऑफ इट, राइट टू इट, सॉरी लेफ्ट टू इट, लेफ्ट टू इट, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड लेफ्ट टू इट। शाबाश, x इज इक्वल टू माइनस टू। बेटे डांट खा के इसी चीजें सीखनी है, अपने आप भी थोड़ा इनिशिएटिव लो कि मैम जो कल बता के गए मैंने घर पे जाके एक बार रिवाइज करना है। 10 मिनट लगते हैं रिवाइज करने में, कुछ और नहीं तो एक बार लेक्चर ही सुन लिया करो, जो बोला हुआ है देख देख सुन सुन के लिखा करो कॉपी पे, शायद कुछ पल्ले पड़ जाए। नहीं बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा, मतलब मैं आपको देख के मतलब नजर आ रहा है रिजल्ट आप लोगों की क्लास का कि क्या आप लोग कर रहे हो। क्या 4.4 में शुरू करवाऊं? सारी 4.4 कल वाले कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड थी जो मैंने करवाए थे, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आते कल के, कैसे पेपर? एमसीक्यू कॉन्सेप्ट बेस्ड, अजर्शन रीजनिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड, केस स्टडी कॉन्सेप्ट बेस्ड, कॉन्सेप्ट नहीं आते तो कैसे करोगे बता दो मुझे। अभी मैं पिछले चैप्टर रिवाइज करवाए हैं उनमें से मैं कुछ पूछ लू ना किसी, मैं कहती हूँ यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इसमें से हाफ स्टूडेंट्स विल बी लाइक दिस जिनको नहीं आता होगा। हर्षित स्टैंड अप, टेल मी ए पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस, देख लो धैर्य। Give the coordinates of a point which lies on x-axis. One comma zero, point lies on x-axis. Y coordinate zero. इतनी बातें तो खुद ही याद रखनी पड़ेंगी। अब बताया भी हुआ x-axis पे point, उल्टा सोचना है y coordinate zero. Y axis पे point, उल्टा सोचो x coordinate zero का, कुछ नहीं पढ़ते आप, कुछ भी नहीं। क्या फायदा इतने दिन से स्कूल आ रहे हो? हर्षित यू शुड रियलाइज कि आपको कितने हार्डवर्क की, कितना ज्यादा हार्डवर्क चाहिए, और आपने अपनी पूरी एनर्जी शरारतों में हंसने हंसाने में वेस्ट की हुई है। ऐसा नहीं है कि आप डम्बो, आपको कुछ समझ नहीं आता, आप समझना चाहते नहीं हो। आज से ही सोच ले मैंने घर जाके हाफ एन आवर 45 मिनट्स मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है अगर पास हो, उससे भी जस्ट आप पास हो पाओगे।
और आप देख लो, अगर वो भी नहीं आप पढ़ते हो तो फिर आपके नेम के आगे क्या लगेगा रिजल्ट में, यू रियलाइज दिस. करण स्टैंड अप. व्हाट इज अनदर नेम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट? पॉइंट इज हैविंग टू कोऑर्डिनेट्स. वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नेम क्या होता है? What is the another name of y coordinate of a point? कोई फायदा नहीं, कुछ भी कराना इस क्लास में. बैठ जा बेटे, आपकी इच्छा है, जो मर्जी करो आप, हम नहीं कुछ कर सकते. 4.4 एक्सरसाइज देखो, बस मेरे को खत्म करने दो जरा सिलेबस, उसके बाद होमवर्क हुआ करेगा रोज का, और आप लोग घर से पढ़ के आओगे, आपसे पूछा जाएगा, बोर्ड पे करोगे आप लोग खुद यहाँ पे आके. आज मैं बताऊंगी कल ये वाला चैप्टर, ये एक्सरसाइजेस, ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आने, अगले दिन मैंने आपसे ही पूछना है. एंड दोज हु आर सिटिंग ऑनलाइन, उनकी भी टर्न आ सकती है. ऐसे नहीं बात बननी कि मैं आऊं यहाँ पे बोल बोल के आपको, चलिए आप कुछ करो ही ना, फिर ऑनलाइन टेस्ट, फिर वही चीटिंग चुटिंग करके, और फिर ऑफलाइन में फिर सब बेकार. What is symmetrical representation of y is equal to 3 as equation in one variable and as an equation in two variable? One variable में y is equal to 3 को हम क्या कहते हैं, और two variable में y equal to 3 क्या होगा? अब देखो, इसको draw करने की बात तो खत्म हो गई. Draw में आपको graph दिया ही होगा, आप draw तो करना ही नहीं है अब, है ना, क्योंकि graph paper तो OMR sheet के साथ attach नहीं होना, graph पे based question आ सकते हैं, तो ड्रॉ करने की तो बात चली गई. अब ट्रिक की याद रखने कि y is equal to 3 वन वेरिएबल में कैसी होती है, क्या होता है, और टू वेरिएबल में क्या होता है. वन वेरिएबल में हमने 6, 7, 8 में किया 0, 1, 2, 3, इट रिप्रेजेंट पॉजिटिव साइड 1, 2, 3, इट रिप्रेजेंट अ नंबर ऑन नंबर लाइन. वन वेरिएबल में अगर बात करें, एंड इफ वी टॉक इन टू वेरिएबल, देखो जैसे ही एक चीज टू वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती है तो वो पूरे प्लेन में जगह बना लेती है, वो सिर्फ एक लाइन पे ना रह के प्लेन में कहीं भी जा सकती है. और जैसे ही ये टू वेरिएबल में कन्वर्ट हुई, y इक्वल टू 3 वन वेरिएबल में यहाँ बैठा हुआ था, जैसे ही, पहले मुझे ये बताओ y इक्वल टू 3 जो है वो किसके पैरेलल लाइन होती है? एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, वाई वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, कितने डिस्टेंस पे? अबव और बिलो? अबव. अब हम पता है टू वेरिएबल में कोई भी नंबर प्लेन में चला जाता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन प्लेन में आ जाती है. तो अगर मैं वाई इक्वल टू 3 की बात करूं तो इट विल गो इन द प्लेन लाइक दिस. सो इन टू वेरिएबल ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं, पेपर में पढ़नी चाहिए आपको, इस तरह से ट्रिक याद होने चाहिए. यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इन ड्रॉइंग एज वेल. That y is equal to 3 is the equation of a line in two variables. It represent a line parallel to dash axis at a distance of above it or below it. थोड़ा दिमाग पे जोर डाला करो जब मैं ऐसी बातें पूछती हूँ कि मैम क्या पूछ रहे हैं, क्या आंसर होना चाहिए, क्या ऐसे. अब जैसे इसका सेकेंड क्वेश्चन है, टू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, वट इट रिप्रेजेंट इन वन वेरिएबल एंड वट इट रिप्रेजेंट इन टू वेरिएबल्स? हाँ जी हर्षित, वन वेरिएबल में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 2x + 9 = 0. अभी बताया, अभी आप मुझे पता क्यों नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में एकदम से टेंशन होगी कि वाकई मुझे कुछ नहीं आता. ये चीज आपके दिमाग, जब तक टेंशन नहीं ना होगी तब तक कुछ नहीं कर सकोगे. आपको टेंशन लेनी पड़ेगी कि मुझे कुछ नहीं आता, और उससे उसके लिए मुझे एफर्ट्स करने हैं इस टेंशन से बाहर निकलने के लिए. वो भी तो आपकी सिस्टर है, पढ़ती है, उसके पास बैठा करो, उसको बोलो चल मिलके पढ़ते हैं. हाँ जी रितिका, हाँ -4.5 हो जाएगा ये सॉल्व करके. x इज इक्वल टू -4.5 क्या रिप्रेजेंट करता है? x इज इक्वल टू -4, उसने सॉल्व किया इसको, x की वैल्यू निकाल ली. -4.5 वन वेरिएबल में क्या होता है? ये
रितिका माइनस 4.5 इन वन वेरिएबल व्हाट इट रिप्रेजेंट हरी अब इन वन वेरिएबल व्हाट इट रिप्रेजेंट अभी बताया अभी भूल गया कब याद आएगा बता दो मुझे कब याद करना है पेपरों के बाद अभी तो किया हमने इसके जैसा क्वेश्चन नवनीत नंबर ही है ये वन वेरिएबल में क्या होते हैं 4, 3, 2, 1 ये सारे क्या हैं नंबर्स हैं किस पे है? हवा में नहीं है नंबर लाइन पे है तो वन वेरिएबल में सीधी सी बात इट इज नंबर और नंबर लाइन किया नहीं हुआ हमने एट्थ में करके आए ना 4 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे 4.5 को -3 को -4.5 को किस पे रिप्रेजेंट करते थे नंबर लाइन पे सो इन वन वेरिएबल इट इज नंबर और नंबर लाइन और इन टू वेरिएबल रितिका बताना जरा ये क्या है इन टू वेरिएबल व्हाट इट रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे बैठा हुआ नंबर अब प्लेन में आ गया क्या बनेगा अभी करवाया अभी नहीं याद आ रहा ये टू वेरिएबल में क्या रिप्रेजेंट करेगा एक वेरिएबल में तो नंबर हो गया नंबर लाइन पे टू वेरिएबल्स में क्या है अभी तो किया आज ही किया नथिंग टू लाफ अबाउट बेटर अंडरस्टैंड जल्दी याद आ गया लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस अंशिया बताया आपने लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होती है वो राइट पे भी होती है लेफ्ट पे भी होती है ये किस पे किस साइड पे होगी क्यों नेगेटिव साइन बेटे एक चीज दिमाग में बिठाओ एक्स वाली लाइन वाई के पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल वाई वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव पे ऊपर नेगेटिव पे नीचे वाई एक्सिस है तो पॉजिटिव पे राइट नेगेटिव पे लेफ्ट मैं तो बता सकती हूँ ड्रॉ कर सकती हूँ यार इसे दिमाग में किसने रखना है आपने रखना है यार इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ही बता दो चलो आप यू आर स्टैंडिंग जाते y इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू जीरो फर्स्ट रिवीजन टेस्ट का सिलेबस रिवाइज हो गया अब मैंने तो बहुत कुछ बता दिया अब आपकी बारी है अब मैंने इधर उधर से सारे चैप्टर्स में से मिक्स करके आप लोगों से चीजें पूछनी है तैयार हो जाओ गुरशान प्लीज गुरशान डिफाइन रियल नंबर्स वेरी गुड नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन दैट इज कॉल्ड रियल नंबर बैठ जाओ हां जी धैर्य रियल नंबर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज मेन टू कैटेगरीज नेम देम वेरी गुड वन इज रैशनल अनदर इज Irrational. Now it's your turn. मैंने बहुत बोल लिया क्लास में हर चैप्टर के बारे में घर से पढ़ के आओ अगले दिन मैंने क्वेश्चन पूछने हैं एंड यू विल टेल मी सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे कॉन्सेप्ट हमने लर्न करने हैं ओके नेक्स्ट हाँ जी डिफाइन रैशनल नंबर Which we can write in the form P by Q. बस और कोई कंडीशन कोई लागू नहीं होती इन पे प्लीज अपनी टान पे बोलना और कंडीशन जो P and Q पे लागू हो सके yes. Second condition is Q not equal to zero. They should have numerator, denominator. Q should not be equal to zero. One more condition. राघव अरे तुझे तो तीनों की तीनों कंडीशन आती होती थी तू एक मतलब एक बार भी नहीं रहा वो तो उसने बोल दी प्रभजोत सिंह ये हमारा हाल है पी एंड बता दिया पी एंड क्यू आर इन टीचर्स
This is rational number. Next, stand up. हाँ जी, what is irrational number? Irrational number. बिना कॉपी में देखिए आप बता सकते हो, इतने तो आपको इंटेलिजेंट हो गए नहीं. Irrational numbers. Number which cannot be written in the form P by Q, where P and Q are integer, Q not equal to zero, that is a rational number. जो डिसिप्लिन नहीं है वो इनडिसिप्लिन बच्चा है, जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल है, ठीक है ना. एक और डेफिनेशन की थी हमने इरैशनल नंबर की, कुशांत सिंह आपकी टर्न हो चुकी है आई थिंक. रीदे, इरैशनल नंबर की एक और डेफिनेशन की थी. बेटे आज के कोई कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ पे, कोई आपने कोई ऐड नहीं करनी पेपर में टूथपेस्ट की, जो हर वक्त दांत दिखा देते हो मुझे. हाँ जी, नहीं सीधा ही नो, कोई मतलब एफर्ट कर, जो हम गलत भी नहीं बताएंगे, हमें आता ही नहीं, हम बताएंगे नहीं, हम पानी पी के तैयारी कर ली, जिस कारण चलता सो गए. इरेशनल नंबर की डेफिनेशन, हाँ हाँ बस पी लिया पानी, चलो बस 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 चलो. इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बताओ. रैशनल नंबर का उल्टा है, हाँ नहीं हो सकता. एक दूसरी डेफिनेशन पूछी मैंने, ठीक है वो हो गया. और डेफिनेशन बस इतना ही आता है हमें. हाँ जी, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम, बस प्लीज. वेयर एम इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, वेयर एम इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. रूट एम फॉर्म का नंबर यहां, जहां पे जो एम है हमारा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. वो करवा, अभी करवाऊंगी. हाँ जी, नेक्स्ट. इज जीरो रैशनल नंबर? नो. चलो जी, बस एक ही चांस मिलेगा. गलत. हर्षित बैठ जाइए. गौरव आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, आप जीरो को ना पहचान पाओ, हीरो होके बैठ जाओ. हाँ जी, जीरो रैशनल नंबर? यस. रीजन बताओ क्यों है रैशनल नंबर. कोई हेल्प नहीं करेगा, और नो नीड टू रेज योर हैंड. आप क्या, हर एक की टर्न आती जानी है. कम स्टूडेंट्स हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके तरफ आएगा. व्हाई जीरो इज अ रैशनल नंबर? रीजन पता ही नहीं हमें. नवनीत कौर, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बाय क्यू. यहाँ पे पी जीरो है तो क्यू की वैल्यू कितनी है? वन. न्यूमिरेटर ओवर डिनोमिनेटर, बोथ आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो. रैशनल नंबर कंसिस्ट ऑफ, हर्षिता रैशनल नंबर में कौन कौन आते हैं? रियल नंबर के तो अंदर रैशनल नंबर आते हैं. रैशनल नंबर यानी कि रोटी मुंह में डालनी है या मुंह रोटी में डालना है, है ना. ये रैशनल नंबर में कौन कौन आता है? इंटीजर्स आते हैं. होल नंबर सारे इंटीजर्स में आ गए. फ्रैक्शंस, दे ऑल आर रैशनल नंबर्स. फ्रैक्शन रैशनल नंबर होते हैं, डेसिमल रैशनल नंबर, इंटीजर रैशनल नंबर, ऑल नंबर, नेचुरल नंबर, एवरीवन इज अ रैशनल नंबर. सारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं. बैठ जाइए. नेक्स्ट, 2√56 इज एन इरैशनल नंबर, इज इट ट्रू? रीजन, because 256 is a perfect square number, so this can't be regarded as irrational, this is a rational number. baith jaiye. then we did a rational number between two given rational numbers, hai na. hamare paas do rational numbers hote the, a and b, aur unke beech ka rational number, it is defined by which formula? a plus b over 2 is a rational number between a and b. between two rational numbers there lies infinitely many rational numbers. Between two rational numbers there lies infinitely many rational numbers. And between two irrational numbers, yeah, two irrational numbers ke beech mein bhi infinite many rationals they will lie. Is it okay? Yes, ma'am.
ठीक है रितिका, समझ आ रही है? अब थोड़ा ना सीरियस हो जाओ, जो भी मैं बोल रही हूँ करवा रही हूँ अच्छे से कॉपी पे लिखते जाओ उनको। अगर आपकी टर्न निकल गई है, दूसरे की टर्न पे क्वेश्चन आया, उसको भी दिमाग में रखना है, फ्लिप होके आपके पास आ सकता है। अगर सारी क्लास को ना आया तो घूम के फिर धैर्य के पास आ जाएगा, ठीक है? सारी क्लास इतनी नालायक नहीं है वैसे, काफी बच्चे अच्छे भी बैठे हुए हैं। Every whole number is an integer. True? Every whole number is an integer. Zero is not an integer. Lavanya. Every whole number is an integer. हद होगी वैसे, मैं कहती हूँ पता नहीं क्या सोच के नो कह रहे हो। ये है इंटीजर्स, आते नहीं है इसमें, इस लाइन में होल नंबर्स नहीं बैठे हुए। सारे होल नंबर्स तो इंटीजर ने अपने में बैठा लिए, फिर भी नहीं आप होल नंबर को इंटीजर बोलते। क्यों बोला आपने? ठीक है फिर, एवरी होल नंबर इज इंटीजर, क्योंकि जब आप इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हो नंबर लाइन पे, उसमें जीरो भी आ गया, सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए। सो एवरी होल नंबर इज रिगार्डेड एज इंटीजर। ट्रू है, मतलब कि सारी कहानी सुन ली, सीता कौन और राम कौन। आपको कुछ बोलने के लिए नो अनवांटेड कमेंट इन द क्लास प्लीज, यू आर इन नाइन्थ स्टैंडर्ड, मैच्योर्ड इनफ, शुड नो हाउ टू सिट इन फ्रंट ऑफ टीचर। It is not nursery class that I have to tell you that what is to speak and how to sit and how to talk and how to walk. आप नाइन स्टैंडर्ड में हो, मैच्योर्ड हो आप लोग। Every natural number is a whole number. Next. Every natural number is a whole number. हाँ जी अंशिया, क्या कह रहे हो आप? पहले आपने फॉल्स बोला एकदम से, मैं बार बार बता रही हूं, एकदम से कोई भी एमसीक्यू पेपर में अटेम्प्ट नहीं करना, उसको दो दम, थ्री दम, चार दम, पांच दम तक सोचो, एक दम तक नहीं, एक सांस में नहीं। अच्छा पांच बारी तो सांस लेनी पड़ेगी ना एक एमसीक्यू के लिए, एक ही सांस में एमसीक्यू का आंसर तो नहीं आएगा। टाइम 2 मिनट है एक एमसीक्यू के लिए आपके पास, प्रॉपर फ्रेश 2 मिनट, 2 मिनट में आप एक एमसीक्यू को करोगे। चलो अच्छा लिसन, टुमारो रिवाइज, घर से ये पूरा चैप्टर पढ़ के आना, मैंने किसी से कुछ भी पूछ लेना, एंड यू आल्सो सिटिंग ऑन नंबर सिस्टम।